हेलो क्लास टेन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, फाइन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपके सीबीएसई में आ चुका है 2019 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी विथ ईच साइड 5 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 2/3 टाइम्स द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ एबीसी। कह रहा है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, सॉरी ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें ईच साइड 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और एक अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है जो इस ट्रायंगल का, जिसका एक साइड 2/3 टाइम्स ऑफ दिस साइड, मतलब 5 सेंटीमीटर का 2/3 टाइम्स हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिए, ये स्केल है, ठीक है। इसका भी सेंटीमीटर एक्यूरेट नहीं है, काफी बड़ा है, फिर भी हमारे बोर्ड के हिसाब से हमने इसके 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। चूंकि आपका 5 सेंटीमीटर है तो हम इसके स्केल पे 25 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, हम यहां से 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, जो इसका लेंथ 25 है तो आप अप्रोक्स आप इतना ले लीजिए, ठीक है। अब आप इसको मैच कर दीजिए, मैच करने से जो आएगा वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। पहले मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लेता हूं, फिर जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं करूंगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल सबका साइड क्या होगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी सब ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पार्ट तो आपने कर लिया, अब कह रहा है कि एक अनदर ट्रायंगल आप ड्रॉ कीजिए इसी के ऊपर, जिसका कि ईच साइड का होगा 2/3 टाइम्स द इस 5 सेंटीमीटर का 2/3 टाइम्स होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल हम इस पे नेमिंग कर दो आप ए बी सी, हम बी पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका रे हो गया बी डी, ठीक है। क्लास कोई दिक्कत नहीं यहां तक, अब ध्यान दो, ये कह रहा है 2/3, 2/3 मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, यानी हम इसको पहले क्या करेंगे, 3 पार्ट में इसको हम इक्वल डिस्टेंस पे कट लगाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेमिंग कर दीजिए, ये बी, ये आपका बी वन ले लो, ये बी टू ले लो, और ये आपका बी थ्री हो गया, ठीक है। बी वन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल है। अब आप क्या करोगे, बी थ्री को सी से मैच कर दो, बी थ्री को सी से हमने मैच कर दिया, ठीक है।
B3 कॉमन ले के C से मैच कर दिया। अब ध्यान दो, अब हम यहां पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो जो इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, ड्रॉ करो, ध्यान दो, थ्री पार्ट है, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, जिसमें हमें ये साइड टू पार्ट लेना है, ये साइड हमें वन पार्ट लेना है, क्योंकि अब जो आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे वो हम इधर टू पार्ट लेंगे, इधर वन पार्ट लेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, हमारे ये टू पार्ट में आ जाना चाहिए, ये हमारे वन पार्ट में आना चाहिए, तो हम यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सॉरी पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस लाइन के जो जहां भी टच करेगा। ठीक है, फिर वहां से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, हमें इस लाइन के पैरेलल लेना है, ठीक है, अब आप इस एंगल का मेजरमेंट लीजिए, जो सेम एंगल हमें लेना, ठीक है, अब आप इसको मैच कर दीजिए। ये कहीं जाके आप ई पॉइंट ले लीजिए इसको, ठीक है, ये कहीं जाके ई पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, यानी थ्री पार्ट में ये इसके पैरेलल है, थ्री पार्ट में वन पार्ट इधर है, टू पार्ट इधर है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इस लाइन के पैरेलल यहां पे अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों सेम हो जाएगा, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ये हो जाएगा टू पार्ट आउट ऑफ थ्री पार्ट, अगर यहां से यहां इधर आपका टू पार्ट है, इधर वन पार्ट है, तो थ्री पार्ट में इधर टू पार्ट आ गए, यही तो कह रहे टू बाई थ्री टाइम्स। ठीक है, तो अब आपका मेन टारगेट है हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन थ्रू ई ड्रॉ करें। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कोई नया नहीं है, जो अभी हमने किया, आप यहां पे ठीक है, अच्छा एंगल का मेजरमेंट आप लीजिए, मेजरमेंट सेम है, सेम मेजरमेंट रखना है। अब आप इसको मैच कर लीजिए, ये बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है, ये आपका डी ई और इसको आप एफ ले लीजिए, हो गया कंप्लीट, यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि एक ट्रायंगल आपका 5 सेंटीमीटर का, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक ये 5 सेंटीमीटर इक्विलेटरल है, तो ये भी 60 का एंगल, ये भी 60 का एंगल, ये भी 60 का एंगल। ठीक है, अब ध्यान दो, उसके बाद कह रहे कि दूसरा ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है जो इस ट्रायंगल का 2/3 है, तो हमने क्या किया, टू पार्ट और वन पार्ट में इसको पार्ट कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, जिसमें आप देखो टू पॉइंट यहां पे, वन पॉइंट वहां पे, यहां पे पैरेलल लाइन इस टाइप का आपको मैंने कई वीडियो में बताया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका टू पार्ट, ये आपका वन पार्ट, तो ये 2/3 पार्ट ऑफ दिस साइड हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, सेम एंगल यहां पे लिया, यहां पे लिया, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है,
पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा वही एंगल, तो ये 60, ये भी 60, तो ये 60 होगा नेचुरली, तो आपका ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका स्टेप लिख रहे हैं, स्टेप कुछ नहीं होता है, जस्ट आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। कर दो स्टेप वन, स्टेप वन क्या हो जाएगा, ड्रॉ ड्रॉ साइड बीसी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या किया, बीसी को 5 सेंटीमीटर ले लिया, उसके बाद क्या करना है, बी ड्रॉ एंड आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एज सेंटर, सिमिलरली ड्रॉ एंड आर्क ऑफ रेडियस, लेंथ मीन्स रेडियस 5 सेंटीमीटर दैट कट्स एट ए, ठीक है। यहां लिया और यहां लिया, दोनों क्या करता है, ए पे कट करता है, ये कुछ नहीं अपने लैंग्वेज में लिखना है। स्टेप थ्री, ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी, ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी, ए टू सी सो दैट ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी आपका फॉर्म हो गया। क्लियर है? स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या होगा, हम बी पॉइंट पे क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स बिलो 90, we draw an acute angle at B the angle thus formed, the form is angle CBD, angle CBD, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमने यहां पे एक acute angle draw किया, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। step 5, along BD, along BD we marked B1, B2, B3 such that BB1 equals B1, B2 equals B2, B3. ठीक है, कुछ नहीं, ये आपको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। उसके बाद हमने क्या किया, इसके पैरेलल इसको ड्रॉ कर दिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, वी ड्रॉ B3C पैरेलल टू B2E,
which meet, which touch BC, which touch BC at E. ठीक है. स्टेप सेवन. स्टेप सेवन. सिमिलरली वी ड्रॉ एसी पैरेलल ईएफ. सेम प्रोसीजर. हमने एसी को पैरेलल किया बीएफ. ठीक है. दस दस ट्रायंगल बीईएफ फॉर्म्ड. यही तो फॉर्म करना था, दूसरा ट्रायंगल. कोई दिक्कत तो नहीं. क्लियर है? मैंने सारा डिटेल में आपको स्टेप्स भी लिखवा दिए. ठीक है. अब आप इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने से न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंप्लीट फुल वीडियो आप लोग देखा कीजिए, जिससे क्या होगा कोई भी स्टेप आपका स्किप नहीं करेगा. फिर अपने रजिस्टर में प्रैक्टिस कीजिए.